करण आया मुझे विश्व भाई, आज हम लोगों के द्वारा समाधि चौक में पुतला दहन किया गया है, क्या क्या मांग है आप लोगों की, क्यों आपने पुतला दहन किया है? देखिए, आज यूथ कांग्रेस द्वारा त्रिवेंद्र सरकार और त्रिवेंद्र रावत का पुतला दहन किया गया है। आप सबको बता दें कि 10 जनवरी को जो है आबकारी सिपाही और परिवर्तन सिपाही की परीक्षा होनी है, जो लिखित परीक्षा है उसका जो केंद्र है पूरे उत्तराखंड में 2 जगह बनाया गया है, एक देहरादून में और दूसरा हल्द्वानी में। जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, हम पहाड़ी प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन केवल परीक्षा केंद्र तराई में बनाए जा रहे हैं। और जो सीमांत के हमारा पिथौरागढ़ है, यहाँ से 3500 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने परीक्षा देनी है। और इतने लोग कैसे इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए अपना आर्थिक संकट झेलते हुए हल्द्वानी जाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। 220 किलोमीटर हल्द्वानी है, वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे अपनी परीक्षा देंगे, क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी, इस चीज़ को सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ना भाजपा के लोगों ने दिया है। हम यहाँ पे पुतला दहन करके त्रिवेंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द उन्होंने जो 10 जनवरी का पेपर होना है, जो परीक्षा होनी है, उसका केंद्र अगर पिथौरागढ़ नहीं बनाया, सीमांत जिले में नहीं बनाया, तो हम उग्र रूपी आंदोलन करेंगे और युवाओं को लेकर सड़कों पर उतरने हेतु बात दूंगा। Thank you.